मैं हूँ प्राची अधिकारी। दोस्तों, कई बार लोग पूछ रहे हैं कि आपने वेट लॉस कैसे करा, तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि छोटी छोटी सी चीज़ें आपको करनी है, जैसे कि ज़्यादा पानी पीना है और अपने आप को खुश रखना है और अपनी डाइट को कंट्रोल रखना है। पर मैं ये नहीं कहती हूँ कि आप ये मत खाइए, आप वो मत खाइए, आपकी जो मर्जी है वो खाइए। इवन मैं चीज़ तक खाती हूँ, लेकिन हाँ, मैं अपने आप को चीज में एक लिमिट बना के रखती हूँ कि मुझे इतना चीज खाना है और हफ्ते में खाना है, मतलब डेली बेसिस पे नहीं खाना। पिज्जा खाना है तो उसके लिए फिर मुझे कितना वॉक करना है, क्योंकि आप जब खाएंगे तो कैलोरी तो बर्न करनी होगी। तो आपको अपनी कमर के लिए जो एक्सरसाइज करनी है, आपको ऐसे रोटेट करना है। ऐसे अगर आप 25 बार डेली करते हैं, दो टाइम या फिर एक टाइम। और दोस्तों, रात को सोने से पहले, मुझे लगता है 2 घंटे सोने से पहले रात का जिम मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि रात का जिम जो होता है ना दोस्तों, अगर आप इस तरह से कर लेते हैं तो आपको ये कमर शेपिंग में फायदा रहेगा। आप देख सकते हैं, मेरी कमर देख सकते हैं आप, और बैक पोर्शन भी आपका अच्छा हो जाता है। इवन मतलब मैं ये नहीं कहती हूँ कि आप कोई सर्जिकल बॉडी तो मेरी है नहीं कि सर्जरी वाली है, ऐसा तो कोई मेरी बॉडी है नहीं, जो है वो नेचुरल है। तो आप अपने बट्स को अगर अच्छा करना चाहते हैं तो ये जो बट्स है, आप ऐसे पंपिंग वे में लाइक 1 2, तो आप इस तरह से आप करिए छोटी छोटी चीजें। आपको कहीं जिम जाने की भी जरूरत नहीं है, आपके लिए यही फायदा हो जाएगा। और अपनी डाइट को कंट्रोल रखें, अपने आप को खुश रखें और इसी तरह से छोटी छोटी एक्सरसाइज करें। मुझे रात का जिम पसंद है, जैसा कि मैंने कहा, तो मैं रात को जिम करती हूँ। आप भी इसे ट्राई करिए, खाने से 7 बजे से पहले खाना खा लीजिए, या अगर आप लेट भी खाते हैं तो 2 घंटे, उसके 2 घंटे बाद आप सोइए, और इस 2 घंटे के बीच में आधे घंटे का ब्रेक देकर आप एक्सरसाइज कर लीजिए। जो एक्सरसाइज के पंडित हैं वो क्या बातें करते हैं मुझे नहीं मालूम, लेकिन दोस्तों ये मेरा हाल, ये जो मेरी आपको दिख रहा है, ये सब मैं रात को एक टाइम खाना खाने के बाद करती हूँ। और मैं, मेरी डाइट जो है बहुत अच्छी है, बहुत मेरी कट, मतलब जो डाइट है मैं बहुत ज़्यादा खाती हूँ, मैं कम नहीं खाती हूँ। आप ये देख सकते हैं, ये आपको दिख रहा होगा, ये मेरे खुद का, ये जो आपको लाइन दिख रही है, ये मेरे खुद की करी हुई है, मतलब मैं खुद करती हूँ। 5 किलोमीटर मैं रोज वॉक करती हूँ और उसके बाद फिर मैं टर्न अराउंड ये करती हूँ, और दिस हैंड एक्सरसाइज, बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, ये सब एक्सरसाइजेस करती हूँ जो लड़कियों के लिए जरूरी है, मैं वो एक्सरसाइज करती हूँ। एंड आई ड्रिंक लॉट ऑफ वाटर, और वाटर का फॉर्म आपके उसमें होता है। आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि एक बार में आप 500 ml से ज्यादा पानी मत पीजिए एक बार में। जब आप वॉशरूम हो आए, आपको यूरिन हो जाए, उसके बाद फिर आप 500 पीजिए। ये पानी आपका चाय भी हो सकता है, लेकिन चाय में आपको डेली अगर आप ना पिए, मतलब आपका दूध कम से कम हो, क्योंकि देखिए मैं पहाड़ से आती हूँ तो हमारे वहाँ दूध की चाय पी जाती है, तो हमारे वहाँ मैं 1 लीटर में मेरे पास 4 चम्मच दूध डलता है बस। और वो सिनेमन अदरक जो आज ये टी कहते हैं, कोरोना टी है, ये टी हमारी कब से चली भी आ रही है। चलिए दोस्तों, इसी संदेश के साथ कि आप भी एक्सरसाइज करेंगे और अपनी बॉडी को ऐसा बनाने की कोशिश करेंगे, ऐसा नहीं भी बनाए तो एटलीस्ट फिट रहिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप ऐसी बॉडी नहीं है तो आप फिट नहीं है। दोस्तों, मुझ में काफी फर्क आया है, आपको बता दूं कि आज मेरा वेट 47-45 के बीच में रहता है। एक टाइम ऐसा था जब मेरा वेट 51-52 के बीच में था। हालांकि मैं बहुत ओवर मोटी कभी नहीं हुई, लेकिन क्योंकि मेरी हाइट 5'3" है तो मैं बहुत ज़्यादा मोटी लगती थी उस चीज़ में। तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि आप भी अपने आप को छोटी छोटी चीज़ों से, और मैं रॉ खाना खाती हूँ, कच्चा खाना खाती हूँ, तो इस वजह से भी, और शुगर मैं पीती नहीं हूँ, लेती नहीं हूँ, तो इस वजह से भी मैंने काफ़ी कंट्रोल कर लिया। आप भी ऐसा करिए और आप भी गुड बॉडी बनाइए। यस, चलिए, बाय बाय।